सोमवार को दिया मिर्जा ने अपने पति व्यवसायी वैभव रेखी और उनकी बेटी समायरा रेखी के साथ अपनी सप्ताहांत योजनाओं का खुलासा किया। समायरा वैभव की सुनैना रेखी के साथ पहली संतान है। दिया ने इंस्टाग्राम पर ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य की अपनी यात्रा से तस्वीरें और वीडियो साझा किया। उनके दोस्तों के बच्चे उनके साथ शामिल हो गए। दिया मिर्जा ने सफेद और लाल रंग की पोशाक पहनी थी और उनके बाल ढीले थे। उनका कैमरा उनके गले में लटका हुआ था। वैभव रेखी और समायरा दोनों ने लाल टी शर्ट को चुना। दिया वैभव और समायरा के बीच बैठी थी पहली तस्वीर। जोड़े ने भी फोटो खिंचवाई थी। दिया ने पक्षियों और हरियाली की तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने लिखा, रविवार प्रकृति के लिए है। हम पिछले रविवार को शाहिद के साथ एक नाव की सवारी पर गए थे। शाहिद एक प्रकृतिवादी का सपना है। साथ अपने ज्ञान और कहानियों से उन्होंने इस समय को जंगल में और भी खास बना दिया। हजारों राजहंसों की कल्पना कीजिए जो इतने सारे लोगों के इतने करीब हैं। शुक्र है अधिकारी राजहंस की रक्षा करते हैं। महाराष्ट्र में मैंग्रोव सुरक्षा प्रकोष्ठ है। DY के ठाणे क्रीक एशिया का सबसे लंबा है। 55 ठाणे फ्लेमिंगो अभयारण्य में प्रवासी पक्षी 205 पक्षी। एक पक्षी का सपना। हम अब लौटते रहेंगे कि हमें यह मानव स्वर्ग मिल गया है। जोड़ा गया है एबिस, उत्तरी शॉलर, ग्रीन सैंड पाइपर, रेड शंख, मार्श सैंड पाइपर, ब्लैक विंग स्टिल्ट और ग्रे हेरॉन भी देखे गए थे। DY के फ्लेमिंगो आकाश में उड़ने से पहले गति प्राप्त करने के लिए पानी पर दौड़ सकते हैं। दिया चला गया। जोड़ा गया यह दो फ्लेमिंगो प्रजातियों ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो का घर है, जिसमें गुलाबी और काले रंग के बिलों के बिल हैं। माना जाता है कि साइबेरिया और यूरेशिया सहित उत्तरी और मध्य एशिया गुजरात के कच्छ में राजहंस की अधिक विविधता लाते हैं। हर साल ये राजहंस ठाणे क्रीक में एक नीले हरे शैवाल बुफे पर दावत देने के लिए अपने प्रजनन स्थल छोड़ देते हैं। पक्षी अक्टूबर में आते हैं और मार्च तक रहते हैं। मार्च में अभयारण्य की यात्रा करें। बच्चे हतप्रभ थे और लौटने को आतुर थे। सोमवार को प्रकृति को गले लगाओ।